ओडिशा में कहर मचा रहा है और अब तक लगभग 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 12 लाख से ज्यादा लोग इस लाइलाज बीमारी से लड़ रहे हैं। और अगर भारत की बात करें तो 109 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी और 4,000 से ज्यादा लोग इस कोरोना वायरस से ग्रसित हैं। ऐसे में जब से कोरोना बीमारी ने लोगों का जीना हराम किया, तभी से इसको लेकर लोग चीन को गलत निगाहों से देख रहे हैं और इसको लेकर कई तरह की खबरें मीडिया, सोशल मीडिया और कई अन्य प्लेटफॉर्म पर इसका जिक्र हो रहा है। इसी बीच चीन को लेकर एक और खुलासा हुआ, जिसमें कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस फैलने के बाद वुहान से कम 4 लाख लोग संक्रमित होकर अमेरिका पहुंचे और इसी वजह से आज अमेरिका का ये हाल हुआ। इस खबर को छापते हुए अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है और कहा है कि लगभग 4,30,000 लोग चीन से सीधी उड़ान भरकर अमेरिका पहुंचे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यात्रा पर प्रतिबंध लगाए जाने से पहले चीन से 17 अमेरिकी शहरों में लोग पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इन दोनों देशों में एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार चीनी अधिकारियों ने नए साल की पूर्व संध्या पर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों को रहस्यमय निमोनिया जैसी बीमारी के प्रकोप का खुलासा किया था। हवाई अड्डों पर टेस्ट और चीन से आने वाले यात्रियों के साथ फॉलो अप में ज्यादा सख्ती नहीं हुई और अमेरिका में जांच जनवरी के बीच में शुरू हुई, तब तक काफी देर हो चुकी थी और अब 2 महीने के भीतर दुनिया को धमकाने वाले अमेरिका को कोरोना वायरस धराशायी कर दिया और अब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी नहीं पता कि वो करें क्या। लेकिन जो भी पूरी दुनिया के देश एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचते हैं, क्या चीन ने भी कुछ ऐसी ही गलती की है? ये तो अभी नहीं पता, लेकिन पूरी दुनिया और जनता का शक चीन पर काफी ज्यादा गहरा रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या निकल कर आता है। अगर ये निकल कर आता है कि चीन जानबूझकर दुनिया को मुसीबत में डाला है, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश होगी।